मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और फिर से एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन जो है वो भारतीय बाजारों में देखने मिला। इनफैक्ट आज एक पुलबैक का दिन था। पुलबैक इसके लिए क्योंकि लगातार तेज़ी के बाद कल देखिए भारतीय मार्केट थोड़े फिसलते हुए नजर आए थे, लाल निशान में जाके बंद हुए थे। आज वापस देखिए पुलबैक देखने मिला है और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग तो बैंक निफ्टी ने किया है, जहाँ पर करीब करीब 2% के आसपास की तेज़ी जो है वो देखने मिली है। निफ्टी 70 पॉइंट, सेंसेक्स 300 पॉइंट, मिड कैप इंडेक्स 350 पॉइंट, तो अच्छा खासा दिन जो था आज भारतीय बाजारों के लिए था। हालांकि उतार चढ़ाव काफ़ी देखने मिला। शुरुआत में जब हम खुले थे ठीक ठाक खुले, लेकिन उसके बाद काफ़ी हद तक नीचे जाते हुए नजर आए थे और एक समय तो था जब ऐसा लग रहा था कि कहीं अब 10,000 के नीचे का लेवल जो है वो भारतीय बाजार में देखने ना मिले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये एक अच्छी बात है। और क्लोजिंग देखिए 10,116 के आसपास हुई है। अब क्या देखिए, अब लेकिन मार्केट में ऐसे कोई गिरावट के संकेत तो दिख नहीं रहे। हालांकि अभी अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स में करीब 80 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। अगर यहाँ से हालात ख़राब हुए और डाउ फ्यूचर्स में यहाँ से और भी गिरावट देखने मिली, अगर डाउ जोन्स में रात को गिरावट हुई और अगर ग्लोबल मार्केट ने साथ नहीं दिया तो थोड़ी बहुत गिरावट शायद आपको देखने मिल सकती है। लेकिन अगर सोचिए कि कैक डैक्स फुटसी अगर इस तरह से लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और उसके बावजूद इंडियन मार्केट्स ने हरे निशान में क्लोजिंग दी है, तो ये कहीं ना कहीं साफ दिखाता है कि हमारी जो इंटरनल यू नो लिक्विडिटी फ्लो है वो इतनी ज़बरदस्त है कि शायद आपको आने वाले दिनों में भी अच्छी खासी तेज़ी जो है वो भारतीय बाज़ारों में देखने मिलेगी। इमीडिएटली तो 10,200 के आसपास का लेवल है जो आपको पार करना है और उसके ऊपर टिकना है। उसके बाद कहीं ना कहीं 10,400 का लेवल तक जो शायद आपको देखने मिल सकता है। इनफैक्ट हर 100 पॉइंट के आसपास आपको जो है मार्केट में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है और नीचे हर 100 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने मिलेगा। तो फिलहाल 10,100 का सपोर्ट है और 10,200 का इमीडिएट लेवल जो है उसके लिए आपको इनकाउंटर इनफैक्ट निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अच्छा ट्रेडिंग सेशन था, लेकिन कोई बड़े फायरवर्क्स नहीं थे। लेकिन हाँ, एक अपमूव जो है आज भी भारतीय बाजारों में देखने मिला और 10,100 के ऊपर जाके निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। सो ऑल सेड एंड डन की एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन था, मेरे ख्याल से सबने कमाया होगा इसमें, तो कोई बड़े बात नहीं। हालांकि कल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि FOMC की मीटिंग जो है उसका कल डिसीजन आने वाला है और इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सबसे मेन तो है कि इकोनॉमिक प्रोजेक्शन के ऊपर FOMC बात करेगा, इसके अलावा रेट कट बहुत सारी चीज़ें हैं, एक पूरी तरह से नई पॉलिसी होगी, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा जो आपको शायद बताएगा कि कल क्या आने वाला है। उसके अलावा FIR के फ्लोज देखिए, वैसे तो लगातार FIR जो है भारतीय बाजार में बाई करते जा रहे, कल की गिरावट में भी उन्होंने खरीदा ही है, तो ये एक अच्छी बात है। तो लेट्स होप कि FOMC भी कुछ डराए ना और सब कुछ अच्छा हो, है ना। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और यहाँ पे अंकित मुखर्जी पूछ रहे हैं इंडसइंड बैंक में व्यू। आज इंडसइंड बैंक 500 के ऊपर जा चुका है, 10% के आसपास की तेज़ी जो है आज इस काउंटर में देखने मिली। देखिए, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इस कंपनी का वो 500 के आसपास ही था, क्योंकि लगातार ये काउंटर जो है इन लेवल के आसपास आके है ना थक जाता था बहुत हद तक। अब इसमें कोई बहुत बड़ा टेक्निकल नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल था काफ़ी हद तक, तो जिसको पार करना इस काउंटर को काफ़ी मुश्किल पड़ रहा था। अब क्योंकि 500 के ऊपर जा चुका है तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत एलोकेशन जो है आप कर सकते हैं इस काउंटर पे, लेकिन एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखना क्योंकि 10% चला है, गिर भी सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। इमीडिएट जो टारगेट होगा इसमें 760 के आसपास होगा, वहाँ तक की रैली जो है ये काउंटर दिखा सकता है। हालांकि 470 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखे इस काउंटर को, थोड़ा मीडियम टर्म के लिए आपको ट्रेड करना चाहिए। ये दो लेवल याद रखिए, मेरे ख्याल से इन लेवल्स के बीच में काउंटर ट्रेड करता रहेगा। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को खास नज़र रखिए क्योंकि ये काउंटर थोड़े वॉलेटाइल होते हैं, इंडसइंड बैंक हुए, RBL बैंक हुए जैसे काउंटर्स इसके लिए। अच्छा, अब अगला सवाल है HUL और दीपक नाइट्रेट पे जिग्नेश पटेल का। देखिए, HUL और दीपक नाइट्रेट दोनों ही फंडामेंटली अच्छे काउंटर्स हैं। ये दोनों काउंटर्स ऐसे हैं जिनमें आपको लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना चाहिए। अगर आप चाहते ही तो छोटी अवधि के लिए आपको पैसा नहीं लगाना है, ये आपको याद रखना है। दोनों काउंटर अच्छे, मेरे ख्याल से दोनों काउंटर में मुझे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना। अब एक्चुअल कितने पे आ गया, 2000 के नीचे आ गया होगा मेरे ख्याल से, नहीं 2120, देखिए 2120 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। मेरा इमीडिएट टारगेट तो इस पर 2500 का है, आज नहीं तो आज से 2-3 महीने बाद आपको देखने मिलेगा, लेकिन 400 रुपये के आसपास का अपसाइड मुझे इस काउंटर में साफ दिखाई देता है। और दीपक नाइट्रेट भी एक अच्छा काउंटर है, हालांकि फंडामेंटली ये काउंटर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फिलहाल ये अपने कुछ रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इस काउंटर के साथ, 500 रुपये के आसपास इसका 20 DMA है,
तो वो एक लेवल है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर उसको क्रॉस कर देता है तो आपको आपको और रैली भी देखने मिलेगी। लेकिन आप पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक्स है तो मेरे ख्याल से इनमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो दोनों काउंटर्स पोर्टफोलियो में रखने लायक है, मेरे को लगता है कि आपको इन काउंटर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ज़्यादा एलोकेशन में कभी भी इनफैक्ट यू नो इस कंपनी को दूंगा HUL को और उसके बाद दीपक नाइट्रेट को। दूसरा सवाल अब लेते हैं यहाँ पे, IDFC फर्स्ट बैंक 2000 क्या करे, बाय किया है 35 रुपीज़, लॉन्ग टर्म व्यू क्या है? देखिए अब लॉन्ग टर्म आप कितना लॉन्ग टर्म रुकना चाहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं एक कोई लेवल इस काउंटर में देना चाहूँ बहुत लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो मुझे 50 रुपये के कम नीचे ये काउंटर लगता नहीं है। देखिए आइडियली मैं सही बताओ तो अभी इस कंपनी के हालात सुधरना शुरू हुए हैं। देखिए जब ये 18 रुपये के आसपास चलता था तब मैंने आपसे कहा था कि मीडियम टर्म के लिए 25 रुपये के आसपास के लिए आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। 25-26 रुपये के आसपास तो ये काउंटर आ चुका है। अब यहाँ से मीडियम टर्म के लिए अगर आप बोले तो 30 रुपये का रेजिस्टेंस, यू नो काफ़ी सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस है जो आपको इस काउंटर में देखने मिलेंगे। लेकिन जैसे कि आप लॉन्ग टर्म का पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये एक वो स्टोरी होगी ना जो कि टर्न अराउंड स्टोरी होगी। तो इसके लिए अगर आप एकदम लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं तो 35 रुपीज़ के लिए तो आप लेके बैठे रहिए, 50 रुपये का इंतज़ार कीजिए, आएगा, टाइम लगेगा, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है IDFC फर्स्ट बैंक इसके लिए, लेकिन उसको समय लगेगा, इतने जल्दी टर्न अराउंड भी नहीं होने वाला, ये भी आपको याद रखना है। तो उस लिहाज से आपको इस काउंटर को रखना है अपने पोर्टफोलियो में और फिर इस काउंटर को रखिए अपने पोर्टफोलियो में, कोई प्रॉब्लम नहीं। 35 पे लिया है तो ओके। यहाँ पे और सवाल लेते हैं, इंटरग्लोब मनोज कुमार अग्रवाल पूछे 1179 का बाय किया हुआ है, करना क्या चाहिए? देखिए इंटरग्लोब के साथ दिक्कतें हैं और एक बहुत बड़ी दिक्कत मुझे जो समझ में आ रही है ना वो ये है कि आप ये देखिए, जब कच्चे तेल का दाम गिर रहा था तो ये IOC लोगों ने ज़्यादा दाम गिराए नहीं थे इनकम फ्यूल के, भले वो ATF हो या फिर पेट्रोल डीजल हो, लेकिन आप जब बढ़े तो बढ़ाना चालू कर दिया, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और अगर इसी तरह से कच्चा तेल बढ़ता रहा तो इन कंपनीज़ के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है, क्योंकि 40% के आसपास इन कंपनीज़ का खर्चा तो कच्चे फ्यूल कॉस्ट है, तो ये इन कंपनीज़ के लिए दिक्कत की बात हो सकती है। दूसरा देखिए, फ्लाइट चालू करना और उसको उड़ाना और पहले की तरह चलाना बहुत डिफ़िकल्ट है, एक बात याद रखिए। इसके लिए मैं लगातार कह रहा हूँ कि ये जो डिस्क्रिशनरी टाइप आइटम्स है ना, भले वो एविएशन हो या होटल्स हो या कोई PVR हो, इन कंपनी से एक्चुअली आपको दूर रहना चाहिए। आपने अब 1179 पे लिया है तो मेरे ख्याल से आपको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था, आपने नहीं लगाया, चलिए ठीक है। अब क्योंकि अगर आप लंबे समय के लिए रुकना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं रुकना चाहते तो मेरे ख्याल से इमीडिएट जो इस कंपनी का रेजिस्टेंस आता है वो 1150 के आसपास आता है, उस लेवल तक भी जाए ना तो 1150 के आसपास आपको इस काउंटर को बेच देना है। उसके बाद बैठिए, देखिए अगर 1200 का लेवल निकाल देता है तो ये 1350 या 1400 पे जा सकता है, ये इस कंपनी के लेवल्स होंगे। लेकिन आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, हालांकि क्योंकि अपने स्टॉप लॉस रखा नहीं है तो मेरे ख्याल से फिर आज की जो लो था या फिर हाँ आज का जो लो था उसी को अपना स्टॉप लॉस मान के चलिए, इसको अगर तोड़ देता है तो मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर से निकल जाना चाहिए। मैं इन काउंटर्स में यानी कि होटल हो या फिर एविएशन हो या फिर मल्टीप्लेक्सेस हो, इन पे मीडियम टर्म के लिए ज़्यादा बुलिश हूँ नहीं, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अच्छा, निखिल शिवदिकर टोरेंट फार्मा रिलैक्सो एक्साइड शॉर्ट टर्म, देखिए तीनों काउंटर अच्छे हैं नो डाउट, बट प्रॉब्लम है ना, टोरेंट फार्मा अच्छा लगता है ना, क्योंकि एक तो फार्मा सेक्टर है, सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है। तो फार्मा सेक्टर में अगले कुछ समय में आपको फिर से तेज़ी जो है वो देखने मिल सकती है। अगर मार्केट में गिरावट हुई ना तो फार्मा सेक्टर ये जो शायद आपको सबसे बेहतरीन तेज़ी जो है वो दिखाते हुए नजर आएगा। तो टोरेंट फार्मा तो मेरे ख्याल से आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म में मुझे ये काउंटर एक अप ट्रेंड में नज़र आता है, 2400-2500 के आसपास एक काउंटर जो है ट्रेड कर रहा है, यहाँ से 100-200 रुपये के आसपास की अभी भी जो है, क्योंकि देखिए ये 20-day मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है आज जाके, है ना, 50-day के ऊपर चल रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं, 100-200 रुपये के आसपास के अपसाइड हो सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस रखिए 2440 के आसपास। दूसरा आपने पूछा रिलैक्सो, देखिए रिलैक्सो उन कंपनीज में से जिसको शायद ये जो आत्मनिर्भर भारत है उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, जितनी शू कंपनीज है, क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान भी दिया जा रहा है। इन काउंटर्स को आप अगले 6 महीने के लिए मेरे ख्याल से अच्छे खासे ट्रेड कर सकते हैं, 600-700 रुपये के आसपास ये है, हो सकता है ये 4 digit में भी जाए,
फोर डिजिट में नहीं जाएगा तो कम से कम 700-800 रुपये के आसपास तो जाना चाहिए, तो 700-800 बोलो, 800-900 के आसपास तो जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये काउंटर को अपने अपने पोर्टफोलियो में रखना है। जहाँ तक एक्साइड की बात है तो एक्साइड मुझे उतना एक्साइट करता नहीं है, हालांकि अब ईवी आएगा, क्या क्या होगा भगवान जाने ऑटो सेक्टर में, बट ऑटो सेक्टर मुझे ज़्यादा एक्साइट करता नहीं है। इसके लिए एक्साइड आपको अगर रखना है शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो देखिए फिलहाल ये काउंटर 158 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 150 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखिए, इमीडिएट टारगेट देखिए, लेकिन इसका इमीडिएट टारगेट जो है 162 का है, अगर वो निकलता है तो शायद आपको 173 के आसपास के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो इमीडिएट अगर समझिए 158 पे तो 155 पे रख लीजिए, 155 के अगर नीचे गिरता है तो क्योंकि 150 तक जाएगा, 150 के बाद ये वापस बाउंस बैक कर सकता है, 155 के आसपास आ सकता है। तो पहला लेवल 155 है, इसको तोड़ दिया तो रुक जाइए, 150 तक आने दीजिए, वहाँ से फिर एक बाउंस बैक लीजिएगा। 162 को अगर क्रॉस करता है तो 173 के आसपास के लेवल जो है आपको इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप इस काउंटर को आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, यहाँ और सवाल लेते हैं। अच्छा, ITCL बैंक ऑफ बड़ौदा, धीरज श्रीवास्तव पूछे, हमारे टॉप फैन भी है, ITC है ना, और बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए बैंक तो कोई भी हो, अब वो बड़ौदा हो या कोई भी हो, ये कंपनी, इन कंपनीज के वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब उस लिहाज से अगर आप लेंगे तो आप इन काउंटर्स को ले सकते हैं, बट मेरे ख्याल से बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे काउंटर पे तो ट्रेड कीजिएगा, 47 के आसपास है। तो एक इम्पॉर्टेंट यू नो साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास काउंटर वैसे ही ट्रेड कर रहा है, 50 के आसपास का लेवल अगर क्रॉस करता है तो शायद आपको 60 के आसपास के टारगेट इसमें देखने मिल सकते हैं, नहीं तो अगर यहाँ से गिरा तो 45 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे, तो यानी कि 3 रुपये का प्रॉफिट और 2 रुपये का नुकसान ये आपका ट्रेड होना चाहिए इस काउंटर में। अगर ये 50 भी क्रॉस करता है तो तब जाके आपको 60-62 के आसपास देखने मिलेगा। और ITC का भी यही हाल है। पोर्टफोलियो में रखना है तो ITC को पोर्टफोलियो में रखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, ITC को पोर्टफोलियो में रखिए। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो देखिए 199 के आसपास है, अगर इन लेवल्स के ऊपर यानी कि 200 के ऊपर जाके क्लोज देता है एक दो दिन, तब जाके इसमें आप फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं 220 के आसपास के लिए। अगर उसके लेवल के आसपास ये काउंटर नहीं जाता है और वहाँ से गिरता है तो मेरे ख्याल से आपको 180 के आसपास का लेवल जो है वापस इस काउंटर में देखने मिल सकता है। तो इस तरह से इस काउंटर में ट्रेड करना। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, पोर्टफोलियो में लेना चाहते हैं तो ITC आपको जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला बंद करते हैं, कोशिश करेंगे कि कल आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब आपके जो बचे कुछ सवाल है उनका जवाब देने के लिए। कल काफ़ी सारे इवेंट्स है, यू नो रिजल्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे कि TCS की AGM है, SBI की बोर्ड बैठक है फंड रेजिंग के लिए, FOMC के मीटिंग का आउटकम आएगा, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको नज़र रखनी है। और कल सुबह हमारे साथ 7 बजे जुड़ेगा तो आपको बताएंगे कि इंडियन मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है, ग्लोबल क्यूज क्या है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिस पे आपको ध्यान देना है। और इसी प्लेटफॉर्म पे फिर से जुड़ेगा तो आपके जो बचे कुछ सवाल हैं उनका जवाब देंगे। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।